गया और दरभंगा की घटना के खिलाफ जाप ने भ्रष्ट नेता भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ फूका पुतला। जनाधिकार पार्टी ने आज गया और दरभंगा के शर्मनाक घटना के खिलाफ कारगिल चौक पर बिहार के भ्रष्ट नेताओं एवं अधिकारियों के खिलाफ पुतला दहन किया। वहीं जाप के युवा परिषद अध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा कि बिहार में भू माफियाओं और बालू माफियाओं का राज चल रहा है, सत्ताधारी दल के नेताओं का इनको संरक्षण है। दरभंगा में भू माफियाओं नेताओं और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से मकान को तोड़कर घर के सदस्यों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। इससे बड़ा आतंक बिहार में और क्या हो सकता है। बिहार में जो स्थिति चल रही है, दरभंगा का जो कांड है, दिन दहाड़े एक ही परिवार के चार लोगों को जला देना आखिर क्या दर्शाता है। उस अपराध जो भी ये घटना किया है उसको इतना दर्दनाक सजा मिलना चाहिए कि उसका रूह कांप जाए। आखिर उसको सबसे बड़ी बात है कि उसमें क्या कुछ भी नहीं, कहीं ना कहीं आदमी में जो माहौल है एक तरह से खौफ का माहौल आ गया। गया का कांड क्या दर्शाता है, जहां बच्चियां का हाथ बांधे हुए है, बहन का हाथ बांधे हुए है, महिलाओं का हाथ बांधे हुए है, ये सब पुलिस प्रशासन के घेरा में और बालू उठवाने के लिए ये सब कांड किया गया। आखिर आम आदमी को जीने का अधिकार है कि नहीं है? आप भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, एजुकेशन माफिया, इन सब के खिलाफ हमारे नेता ने गूगल फूंक दिया है और साफ तौर पर एक माफिया को भी नहीं बख्शने वाले हैं। जिसने गलती किया है उसको सजा दिलवा कर रहेंगे। हर पीड़ित परिवार को आशा रहती है कि पप्पू यादव आएंगे तो न्याय मिलेगा, वरना प्रशासन के यहाँ वो दौड़ते 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 थक जाते हैं, न्याय नहीं मिलता है। आखिर क्यों? अरे यही देख लीजिए PMCH का हाल। कोई आम आदमी जाता है उसको बेड मिलता है बिना पैरवी का, बिना कहीं भी? कोई भी थाना में आम आदमी पहुंचता है, डायरेक्ट में उससे इतना सवाल पूछा जाता है कि वो आदमी ही लगता है कि हम ही अपराधी हैं। तो पीड़ित परिवार को न्याय तब मिलता है जब पप्पू यादव पहुंचते हैं। हम लोग इन सभी के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर और राज्य सरकार के खिलाफ, इस सब शासन प्रशासन के मिली भगत के कारण आज बिहार के आम आदमी को झेलना पड़ रहा है। बिहारीगंज का क्या है? बिहारीगंज में जदयू नेता को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। कहीं ना कहीं सरकार द्वारा संरक्षित ये सब माफियाओं जो लगातार अपराध करती जा रही है, इन सब के खिलाफ हम लोग का ये बिगुल है और एक लोगों को हम लोग छोड़ने वाले नहीं, बख्शने वाले नहीं। इसके लिए हम लोग 7 मार्च को, आने वाले 7 मार्च को राजभवन का घेराव करेंगे। बड़ी संख्या में पूरे बिहार से हमारे पार्टी के लोग आए।